आज की क्लास में हम कवर करेंगे हिंदी। जैसे आपको बताया कि HSSC के एग्जाम में हिंदी के 10 क्वेश्चन जो है अनिवार्य रूप से आते हैं, तो हिंदी आपको पता है एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, यानी इसमें ग्रामर होती है। ग्रामर में इसमें जो सबसे पहले आते हैं वर्णमाला के क्वेश्चन आ जाते हैं, वर्णमाला में स्वर व्यंजन के, इसके अलावा संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ठीक है जी, समास प्रत्यय उपसर्ग और पर्यायवाची हो गए, अलंकार हो गए, विपरीतार्थी हो गए। तो हिंदी में कई प्रकार के छोटे छोटे टॉपिक हैं जो ग्रामेटिकल टॉपिक हैं, उनमें कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट ज़्यादा गंभीर होने के कारण हिंदी को पढ़ने में दिक्कत आती है। तो मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगा हिंदी को पढ़ने की और आपको पढ़ाने की, ठीक है जी। तो इसमें हिंदी जो है, हिंदी में सबसे पहले आता है हमारा वर्णमाला। तो हिंदी में वर्णमाला जो है किसी भी भाषा के लिए जरूरी होती है। तो वर्णमाला जो है यानी वर्णों की माला, यानी वर्णों के मिलने से बनने वाली माला जो है, तो वर्णमाला में सबसे पहले आता है जी, सबसे पहले आते हैं हिंदी की वर्णमाला में वर्ण। तो वर्ण जो है वो मूल ध्वनि, वो मूल शब्द होता है जिसको आगे छोटे टुकड़ों में नहीं काटा जा सके। यानी वर्ण जो है मूलभूत आधारभूत वर्ण होता है, शब्द होता है, वाक्य होता है, जिसको आगे छोटे छोटे भागों में तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है जी। वर्ण जो है, वर्ण दो भागों में होता है, पहला आता है स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। यानी वर्ण जो है दो भागों में बढ़ जाता है, स्वर और व्यंजन, ठीक है जी। स्वर जो है, स्वर टोटल 13 होते हैं, ठीक है जी, 13 स्वर होते हैं। स्वर का मतलब है जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, यानी ऐसे शब्द ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उनको हम स्वर कहते हैं, ठीक है जी। जबकि व्यंजन जो है 33, इसके अलावा 35 और 39, यानी इसको आगे आगे बढ़ाकर हम संयुक्त व्यंजनों के साथ जोड़कर देखते हैं। सबसे पहले मूल व्यंजन जो है 33 है, फिर उनको बढ़ाते हुए 39 तक मैक्सिमम ये मिलते हैं। तो स्वर जो मूल रूप से बोले जाते हैं, व्यंजन जो है ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण शब्दों के या स्वरों के साथ होता है, उनको हम व्यंजन कहते हैं। यानी ऐसे वर्ण जो स्वरों के साथ जोड़कर देखे जाते हैं, जोड़कर बोले जाते हैं, उनको हम व्यंजन कहते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम स्वर काउंट करते हैं। स्वर जो है हमारे स्वर आते हैं जैसे अ आ, ठीक है जी, ई बड़ी ई, ठीक है जी, उ, फिर आता है जी बड़ा उ ऋषि, ठीक है जी, फिर आता है ए बड़ा ए, ठीक है जी, ओ और बड़ा ओ और अ के बाद आता है अ, ठीक है जी। ये जो है हमारे स्वर है, तो मुख्य रूप से हमारे स्वर जो है इस प्रकार के होते हैं। इसके अलावा व्यंजन जो है, व्यंजन व्यापक होते हैं। व्यंजन 33 में सबसे पहले आते हैं क वर्ग के, फिर आते हैं जी च वर्ग के, फिर आते हैं ट वर्ग के, फिर आते हैं त वर्ग के, फिर आते हैं प वर्ग के, ठीक है जी। ये क च ट त और प, इस वर्ग के वर्ण पाए जाते हैं, व्यंजन पाए जाते हैं। इसके अलावा, इसके अलावा द्विगुण व्यंजन होते हैं, द्विगुण व्यंजन होते हैं, द्विगुण व्यंजन को हम कहते हैं जैसे ड और अड़। ये दो जो है क्वेश्चन आ जाएगा अगर कि द्विगुण व्यंजन कौन से है, तो ड और अड़, ठीक है जी। फिर आते हैं इसके बाद संयुक्त, चार संयुक्त व्यंजन होते हैं, यानी चार संयुक्त व्यंजन होते हैं, जैसे क्षत्रिय का श, त्र, ग्य, ठीक है जी, ग्य आएगा, ठीक है, फिर इसके बाद आएगा श्र। ये चार जो है संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं। तो 33 ये हो गए, 33 प्लस द्वि व्यंजन हो गए और चार संयुक्त व्यंजन हो गए। तो इस प्रकार हमने स्वर और व्यंजन को देखा है। स्वर जो है हमारे 13 है और व्यंजन जो है मैक्सिमम 39 यानी 39 हो जाते हैं, ठीक है। तो वर्णमाला में अगर आप देखते हैं, हम नेक्स्ट में कवर करते हैं हम स्वरों का वर्गीकरण, यानी स्वरों को हम कैसे वर्गीकृत करते हैं। तो वर्गीकरण आएगा, मैं मोटा मोटा देखूंगा इसमें, मोटा मोटा आऊंगा। सबसे पहले आएगा ह स्वर, पहले प्रकार के होते हैं ह स्वर। दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, ठीक है जी। तीसरे होते हैं प्लुत,
स्वर, ठीक है जी। फिर आते हैं इसी में ही आगे आते हैं अनुनासिक, अनुनासिक स्वर, और दूसरे होते हैं निर्नासिक स्वर, ठीक है जी। तो अनुनासिक और निर्नासिक हो गए। इसके बाद आते हैं होठों के आधार पे आते हैं, जैसे वृत्ताकार, जिनमें होठों का वृत्ताकार रूप यूज होता है। इसके अलावा अवृत्ताकार, अवृत्ताकार, ठीक है जी। इसके अलावा अभ्यांतर प्रयत्न के अलावा, अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर जो बोले जाते हैं उनको कहते हैं, जैसे अग्रस्वर, अग्र स्वर, फिर आएगा जी मध्य स्वर, और तीसरा आएगा जी पश्च स्वर। तो अभ्यांतर प्रयत्न यानी जब हम बोलने का प्रयास करते हैं उस अभ्यांतर प्रयत्न में अग्र आगे से बोले जाएंगे, मध्य मध्य भाग से बोले जाते हैं, और पश्च यानी पीछे भाग से बोलने वाले, ठीक है। इसके बाद आते हैं मुख द्वार के आधार पे, मुख द्वार के खुलने के आधार पे जो स्वर बोले जाते हैं, पहला आएगा जी समृद्ध, समृद्ध पहला हो गया समृद्ध, यानी इनमें हमारा मुंह जो है बहुत कम खुलता है, समृद्ध, जैसे ई हो गया, बड़ी ई हो गया, ठीक है, छोटी ई और बड़ी ई दोनों आ गए। फिर आएगा अर्ध समृद्ध, यानी आधा मुंह खुलता है, ठीक है जी, अर्ध समृद्ध आ गया, ए ओ ऐसे आ जाते हैं। फिर आते हैं विवृत, विवृत में आते हैं जिनमें मुख द्वार मुंह जो है हमारा ज्यादा खुलता है, उनको विवृत स्वर कह देते हैं। और लास्ट आएंगे अर्धवृत्त, अर्धविवृत्त आएंगे जिनमें बहुत ज्यादा मुंह नहीं खुलता, ठीक है जी, उनको कह देते हैं जैसे अ और आ, इसमें आ जाते हैं अ और आ। तो हमने जो है स्वरों को बोलने के, ह स्वर होते हैं वो स्वर जो जिनमें बहुत कम समय लगता है, ह स्वर यानी ऐसे स्वर जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। दीर्घ स्वर ह स्वर से अधिक समय लगने वाले स्वर को कहते हैं दीर्घ स्वर, और क्लुप्त स्वर सबसे अधिक लंबे समय में बोले जाते हैं, ऐसे स्वर को कहते हैं क्लुप्त स्वर, ठीक है जी। जैसे क्लुप्त में आएंगे ओम ऐसे, ठीक है जी, ओ, ठीक है जी। फिर आता है दीर्घ स्वर में ए और ओ आ जाते हैं, ठीक है जी। तो इसके अलावा ये स्वरों का वर्गीकरण था, ठीक है, स्वरों के वर्गीकरण में हर स्वर, दीर्घ स्वर, क्लुप्त स्वर, अनुनासिक, नासिका के आधार पे, निर्नासिक, बिना नासिका के, वृत्ताकार, अवृत्ताकार, जीव का वृत्ताकार यूज होता है, अवृत्ताकार, और अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पे अग्र, मध्य और पश्च, और मुख द्वार बोलने के मुंह के आधार पे समृद्ध, अर्धवृत्त और विवृत्त और अर्धविवृत्त, ये प्रकार जो है स्वरों का वर्गीकरण आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं जी व्यंजनों का वर्गीकरण, यानी व्यंजन जो है किस प्रकार से यूज होते हैं। तो व्यंजन को हम वर्गीकृत करते हैं, ठीक है, सबसे पहले आएगा उच्चारण स्थान पर, उच्चारण स्थान पर यानी बोलने के स्थान पर हम व्यंजनों को कैसे प्रयोग करते हैं। पहला आएगा जी जैसे कंठ, कंठ के आधार पे जो कंठ से बोले जाते हैं, तालु, तालु के आधार पे जैसे अ, ये कंठ से बोला जाता है, तालु में ई, तालु आता है, मूर्धा, मूर्धा में आएगा जी आपका री, ऋषि वाला री, ठीक है जी। फिर आएगा दंत, जिनमें दंतों का यूज होता है, तवर जो है वो सारे दंत होते हैं, दांत से बोले जाते हैं, ओष्ठ होठों के आधार पे, ओष्ठ में आएंगे जी ऊ और ऊ, ठीक है जी, ये ऊ ओष्ठ का यूज होता है, नासिका होते हैं जो नासिका का यूज होता है, इसमें नाक का यूज होता है, ण और ण ये जो है नासिका स्वर है। तो ये जो है उच्चारण स्थान के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण है। इसके अलावा प्राण के आधार पे यानी बोलने का जो यूज होता है, प्रयोग होता है, हमारा जोर लगता है इसमें बोलने में, उसको प्राण स्वर कह देते हैं, जैसे अल्प प्राण, अल्प प्राण में आएगा जी आपका य र ल व, यानी ये अल्प प्राण शब्द होते हैं य र ल व, ठीक है। फिर आएंगे महाप्राण, जिनमें ज्यादा जोर लगता है, महाप्राण में आएंगे जी आपके जैसे श और श, श शब्द वाले जो है वो महाप्राण में आते हैं। इसके बाद आते हैं जी हमारे अघोष, अघोष व्यंजन होते हैं, अघोष व्यंजन में आते हैं हमारे जिनमें स्वर तंत्रियां कंपन नहीं होती, यानी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होते, उन्हें कहते हैं अघोष। जैसे अघोष में आएंगे
और श यही वाले आगे प्लस स, ये अघोष तत्व भी माने जाते हैं, यानी अघोष व्यंजन। फिर आते हैं सघोष, सघोष व्यंजन जिनमें कंपन होती है, बोलने के दौरान कंपन होती है, जैसे य र ल व और ह, ये सब जो है ये वर्ण जो है सघोष माने जाते हैं। इसके बाद आता है जी स्पर्शी, जिनमें हमारे मुख और भागों का स्पर्श होता है स्पर्शी कहते हैं, जैसे इसमें क वर्ग आ जाते हैं, क वर्ग के त वर्ग के सभी आ जाते हैं, क और त वर्ग। फिर आता है संघर्षी, जिसमें मुख का जो है बोलने के दौरान दूसरे भागों से संघर्ष होता है, उच्चारण के दौरान वायु जो है रगड़ कर आती है, इसमें श के और श के ये वर्ण आ जाते हैं। ठीक है जी, स्पर्शी हो गया और संघर्षी हो गया। इसके बाद आता है जी बाकी अंतस्थ है, अंतस्थ अंतस्थ होते हैं जिनमें स्वरों और व्यंजनों के मध्य के जो शब्द होते हैं उनको अंत्यस्थ कह देते हैं, जैसे य और व जो है अंत्यस्थ भी काउंट होते हैं। फिर आते हैं नासिके, ऐसे व्यंजन जिनमें नाक का यूज होता है बोलने के दौरान, ड और ण आदि आदि सब जो है इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है व्यंजनों का वर्गीकरण है, कुछ टिपिकल है, आपको पता है टोटल ग्रामर है, तो फिर भी थोड़ा थोड़ा कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, अघोषी शब्द कौन से हैं, सघोषी शब्द कौन से हैं, कंठ से कौन से बोले जाते हैं, तालु से कौन से बोले जाते हैं, मूर्धा दंत आदि से कौन से बोले जाते हैं। तो ये हमने व्यंजनों का प्रकार देखा है। ठीक है जी, तो इसी दौरान मैं आपको धीरे धीरे हिंदी के और टॉपिक धीरे धीरे कवर करूंगा, अगली क्लास में ग्रामर के और भाग में कवर करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।